Hello friends and foodies, this is Ashish and this is Rashmi and welcome to Ek Plate Mumbai. सबसे पहला disclaimer, stay home, stay safe. हम बिल्कुल घर पे सेफ रह के जो है हमारा food exploration बिल्कुल जारी रख रहे हैं. So ऐसे ही बहुत सारे food explorations और life hack के लिए हमें subscribe कीजिए और video को आगे देखते रहिए. So guys, आज के video में हम एक ऐसा life hack देखने वाले हैं या फिर मैं कहूँगा एक kitchen hack देखने वाले हैं. So basically ये life hack है क्या? India में almost एक चीज़ ऐसी है जो सारे घरों में बनती है और वो है रोटी. एग्जैक्टली. ये चीज ऐसी है कि इंडिया में ऑलमोस्ट हर घर में बनती है और कुछ बच भी जाती है. तो इसी रोटी के 6 to 7 वेरिएशंस हमें दिखाने वाले हैं शेफ रश्मीन. तो आई सपोज लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमारे पास यहाँ पे है ढेर सारी रोटियां जो हम लोग ने लेफ्ट ओवर ली है. ये कल की रोटियां हैं जो हम लोग ने अभी यूज कर रहे हैं. हमारे पास यहाँ पर है जीरा, यहाँ पर है सौंफ, यहाँ पर है जागरी, यहाँ पर है टिश्यू रोल जिसके अंदर रोज वाटर का बॉटल है, ये है पाउडर्ड शुगर, यहाँ पर हमारे पास स्पाइसेस हैं बेसिक जो घर में होते ही हैं, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, ये ब्लैक पेपर है, ये गरम मसाला है, ये है हल्दी पाउडर. यहाँ पर हम लोग ने लिया है फाइनली चॉप्ड टमेटो, यहाँ पर है फाइनली चॉप्ड अनियन, यहाँ पे है फाइनली चॉप्ड गार्लिक, कड़ी पत्ता. जो पहला वेरिएशन हम करने वाले हैं रोटी का वो है गड़ू चूरमा, जिसका मतलब होता है चूरमा, जिसके लड्डू भी बनते हैं तो रोटी का बनाया जाता है. तो वो हम सबसे पहला बना रहे हैं. तो उसके लिए क्या करना है हमें? रोटी को ब्लेंड करना है. तो हम रोटी को ब्लेंड कर लेते हैं. सो ये हमारा जो है वेरिएशन का फर्स्ट स्टेप रेडी है. सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है. तो ये डिज़ाइन हम लोग ने इसलिए बनाया है सो दैट हमें प्रोपोर्शन का आइडिया आ जाएगा. सो एक पार्ट हम लोग यूज़ करेंगे. अभी हम स्टार्ट करेंगे चूरमा से. सेफ क्या करना है बताइए. तो हम पहले चूरमे के लिए रोटी जो ब्लेंड की वो साइड में लेंगे. एक पार्ट राइट. अभी शेफ इसमें ऐड कर रहे हैं पाउडर्ड शुगर. पीठी साकर मराठी में बोलते हैं, दड़ेली साकर गुजराती में बोलते हैं और पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं. मिक्स कर लिया है पाउडर शुगर, गायब हो चुका है पूरा मिक्स करके. और हम लोग ने इलायची जो है पाउडर शुगर में मिक्स कर लिया था. शुगर जब ब्लेंड कर रहे तभी इलायची ऐड कर लिया था. राइट. हमारे इस चूरमा में रोटी है, पाउडर शुगर है और इलायची है. सो हमारा फर्स्ट वेरिएशन रेडी है जो कि है चूरमा. अब इसको हम साइड में रखेंगे और स्टार्ट करेंगे सेकेंड वेरिएशन से. अभी हम लोग ने जो 3 पार्ट किए थे उसमें से दूसरा पार्ट हम लोग यूज़ करेंगे और हम लोग बनाने वाले हैं चूरमे के लड्डू. सो शेफ लेंगे सेकेंड पार्ट. रोटी का सेकेंड पार्ट हम लोग ने ले लिया है एक मिक्सिंग बोल में या प्लेट में. अब हम इसमें जो है जागरी लिया हुआ है, इसको बारीक कर लिया है बिल्कुल. अब चॉप कर सकते हैं. मैं कहूँ ग्राइंड मत कीजिए, वो मेल्ट हो जाएगा. राइट. सो हम ऐड करेंगे. कितना करेंगे यार? अब हम इसमें ऐड करेंगे रोज वाटर. लेस देन टेन एम एल. ओके. और शेफ अच्छी तरीके से अब जो है उसको बड़े बड़े मोटे मोटे हाथों से इसको अच्छी तरीके से जो है मसल लेना है सो दैट स्वीटनेस भी उसको पूरा उसमें रोटी में आ जाएगा. बस इतना जोर मत लगाइए कि प्लास्टिक का प्लेट टूट जाए. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल लीस्ट इंग्रेडिएंट्स, कम से कम इंग्रेडिएंट्स में जो घर में अवेलेबल हो हम दिखा रहे हैं. वरना ऐसे देखने जाए तो हम लोग बहुत तामझाम कर सकते थे. लड्डू में भी और चीज़ें डाल सकते हैं हम लोग. अगर ड्राई फ्रूट बढ़ाने तो बढ़ा सकते हैं. मतलब एक नींबू जितना बना रहे हैं, छोटे नींबू जितना साइज ले रहे हैं. आता है थर्ड वेरिएशन जिसमें हम लास्ट पोर्शन ऑफ रोटी, ग्राइंडेड रोटी हम लोग लास्ट पोर्शन यूज करने वाले हैं. अब हम बना रहे हैं वघारेली रोटली. राइट. मतलब जिसमें मराठी में कहते हैं फोड़नी की चपाती. सबसे पहले इसका स्टेप जो है हम गैस ऑन करने की कोशिश कर लेंगे जो हो चुका है. और शेफ ने यहाँ पर एक पैन में, यहाँ पर शेफ ने जो है 4 चम्मच तेल ले लिया है. अब हम लोग डाल रहे हैं जीरा डालेंगे. ओके. कहीं ज़्यादा ना गिर जाए. कड़ी पत्ता. वाओ नाइस. फिर सॉफ्ट जाएगा. ओके नाइस. गार्लिक. डालेंगे इसमें टमाटो. अच्छा, अनियन को हमने ज्यादा सॉफ्ट नहीं किया. राइट. हो चुका. राइट. ये बहुत ही क्विक नाश्ता है. सो आप क्विकली तड़का दे सकते हैं अनियन गार्लिक टमाटो का.
और रोटी को ग्राइंड करके ब्लेंड करके फट से ये बना सकते हैं। गरम मसाला डालेंगे आप हम इसमें। अच्छा, तो ये हमारा मसाले जा चुके हैं। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि हमारा रोटी ड्राई है, वो ड्राई है। राइट, हम रोटी का, अच्छा ओके, हम लोग रोटी डाल देंगे। ग्रेट, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया, मतलब ज्यादा ड्राई नहीं है, ज्यादा वेट नहीं है। वाओ, अब हम फोर्थ वेरिएशन पे आते हैं जो कि है सेकेली रोटी। सेकेली रोटी इज बेसिकली सेकी हुई रोटी, जो एक वेरिएशन है खाकरे का। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये सबसे इजी मुझे लगता है वेरिएशन है, राइट। हम लोग ना अभी यूज़ कर रहे हैं नॉनस्टिक पैन, बट मुझे लगता है जो रोटी का तवा होता है दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, राइट। ओके, सो अब हम शुरू करेंगे। अगर हो सके तो आप इसे किसी कपड़े से जो है प्रेस करते करते पूरा सेकें। सो हमारा फोर्थ वेरिएशन रेडी है जो कि है सेकेली रोटली। इट्स वेरी हेल्दी क्योंकि इसमें ना ही तेल है ना ही घी है, बस ये जो है क्रिस्पी रोटी है। आप इसको जैम के साथ खाइए, घी के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, उस पर जो लगाना है। इट्स अ वेरी हेल्दी स्नैक जो आप घर पे खा सकते हैं। सो अब हम इसके साथ बनाने वाले हैं फिफ्थ वेरिएशन जिसका नाम है खाकरे का चिवड़ा। खाकरे का चिवड़ा जैसे चूरमा ब्लेंड किया था, अच्छा ओके, उसी प्रोसेस में इसको ब्लेंड करना है। और अब हम क्या करेंगे इसको, हम लोग ने फ्लेम ऑन कर लिया है, अब हम देंगे इसको तड़का। पैन में डालेंगे तेल। अभी हम क्या डाल रहे हैं उसमें, सॉफ्ट। अच्छा, पहले सॉफ्ट जल रही हो। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे इसमें, थोड़ा सा सॉल्ट, चिली पाउडर, थोड़ा सा। तो अब नेक्स्ट क्या जाएगा, थोड़ा सा शुगर डालेंगे पाउडर। हमारा ये जो है खाकरे का चिवड़ा जिसको बोलते हैं वो रेडी है, विच इज़ अ सिक्स्थ वेरिएशन, राइट। सिक्स्थ वेरिएशन हो चुका है, अभी सिर्फ एक लास्ट वेरिएशन बाकी है। हम लोग बना रहे हैं लास्ट वेरिएशन रोटी का, विच इज़ शक्कर पारा। उसमें भी होता है स्वीट वाला और तीखा वाला, कैसे हैं दोनों देख लेते हैं। सो लेट्स गो फॉर द लास्ट वेरिएशन। सो इसके लिए हम रोटी के डायमंड शेप्स कट कर रहे हैं, राइट। मतलब जैसे हम लोग घर दिवाली में शक्कर पारे बनाते हैं। तो हमारा अभी जो है हमने रोटी कट कर लिया है डायमंड शेप में, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग ने ऐसे ऐसे जो है इसको तीन रोटियां की है, राइट। सो हमारा फ्राइंग हो चुका है, हमने पूरी तीन चार रोटियां जो है फ्राई कर ली हैं। अभी हम इसके दो पार्ट करेंगे और एक में डालेंगे पाउडर्ड शुगर और दूसरे में चिली पाउडर और गरम मसाला। नाइस, सो लेट्स स्टार्ट। वो ठंडा होने से पहले करना है, सो दैट उसको एक कोटिंग लग जाएगा। सो हम लोगों ने इसके जो है दो अलग अलग पार्ट कर लिए हैं। तरीके से टॉस करेंगे सो दैट वो हर जगह पे लग जाए। अब हम डालेंगे लाल चिली पाउडर, फिर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, राइट। सो हमारा लास्ट वेरिएशन रेडी हो चुका है। यहाँ पर हो चुका है स्वीट शक्कर पारा और तीखा शक्कर पारा रेडी हो चुका है। सो बेसिकली सारे वेरिएशन रेडी हैं। अब मैं एक प्लेट में सारों को रेडी करके टेस्ट करने वाला हूँ और आप ज़रूर इसको ट्राई करना। अब मैं ट्राई करने वाला हूँ ये सारे वेरिएशन एक प्लेट में। तो हमारे सारे वेरिएशंस हो चुके हैं फाइनली। हम लोग ने एक रोटी के 7 वेरिएशंस बनाए हैं। सो अब मैं स्टार्ट करूंगा इस वेरिएशन से जिसको कहते हैं वघारेली रोटली।
परफेक्ट तीखा है, तीखी है, चटपटी है। पोहा उपमा के लिए एक अल्टरनेटिव है जो बिल्कुल क्विक है। इसमें सारी जो है पड़ने वाली चीज़ें हैं बिल्कुल घर में अवेलेबल, राइट। बहुत अच्छा नाश्ता है, हेल्दी वर्जन और बहुत अच्छा है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट ये हमेशा से है। सो अब मैं ट्राई करने वाला हूँ यहाँ से स्वीट शक्करपारा से। ये एक्चुअली लगता है क्योंकि इसको जो है जब वो गर्म था उसमें पाउडर्ड शुगर का कोटिंग आ चुका है। अच्छा है, क्रिस्पी है। अब मैं खा रहा हूँ तीखा वाला, क्रिस्पी है। ये भी एक अच्छा नाश्ता है। नाउ आई विल गो फॉर दिस वन। तू भी ये खा सकता है, अलाउड है। ये है रोटी के चूरमे के लड्डू। ये देखो बिल्कुल जुगाड़ू स्वीट डिश जो बिल्कुल घर पे बन सकता है, उसमें ड्राई फ्रूट भी होना चाहिए था। ये जो है हम जिसको कहते हैं हलवा, सूजी का हलवा, शीरा, या फिर ये उसका अल्टरनेटिव है। इसमें भी ड्राई फ्रूट्स होते, बारीक कटे हुए, तो मज़ा आ जाता। सबसे ईजिएस्ट वेरिएशन ऑफ रोटी जो बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। ये भले ही आपको अभी बेसिक फॉर्म में लग रहा है, आप इसके ऊपर घी डाल के उस पर और चाट मसाला डाल के खा सकते हैं। इस पर आप बटर लगा के खा सकते हैं। इस पर आप जैम डाल के खा सकते हैं। जैम के साथ सबसे अच्छा लगता है। अल्टरनेटिव फॉर मसाला पापड़, पूरा मसाला पापड़ का गार्निश कर सकते हैं, हेल्दी वर्जन। दही के साथ बहुत अच्छा लगता है। अब हम आते हैं हाकरानो चोड़ो। तो ये भी बहुत अच्छा है, मुझे ये जो है बहुत पसंद है। ये थोड़ा और मुझे लगता है तीखा होता तो अच्छा होता। सॉफ्ट की वजह से बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। अगर आप ये, आपको बहुत सिंपल और बोरिंग लग रहा है नाश्ता, तो आप इसका ये बना लीजिए, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। ये रोटी के वेरिएशंस मैंने तो बहुत एंजॉय कीजिए, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने घर पे मुझे बताइएगा कौन सा वेरिएशन कैसा लगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई वेरिएशन पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये सब बनाने के लिए मैं शेफ़ रश्मीन को, जो कि मेरा भाई है, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है अनिकेत का कहना है कि थैंक यू बोलना चाहिए फॉर्मली। तो थैंक यू सो मच, तूने टाइम दिया। एक तो पहले ही बहुत कम दिन लेके आया हुआ है, वो वेकेशन में घर पे, उसमें से तूने एक दिन इसमें दे दिया। और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, एक प्लेट मुंबई ऑन इंस्टाग्राम। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एक प्लेट मुंबई।